स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 10 kg, ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, और इन दोनों को आपस में इस तरह से एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया गया जो बी से होता हुआ जा रहा है, पुली बी से होता हुआ रस्सी पार हुआ है। अनदर स्ट्रिंग कनेक्ट द सेंटर, एक और स्ट्रिंग है जो सेंटर को कनेक्ट करता है बी के, और इस तरह से ग्राउंड में जा करके ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर ए का जो सेंटर है वो ए पुली यहाँ पर है, बी पुली यहाँ पर है, और ये दोनों पुलीज जो है ये मासलेस है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर इस ए को एफ फोर्स लगा के खींच रहे ऊपर, ए को एफ फोर्स लगा के ऊपर अगर हम खींच रहे, तो तुम ये बताओ कि स्मॉल एम का कैपिटल एम का एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा। तो देखो, इसको अगर बनाना है तो सबसे पहले जो काम हम यहाँ करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो दो पुली है, जैसे एक पुली यहाँ पे है और एक पुली यहाँ पे है, तो ये जो दो पुली यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला ये दूसरा ये, इन पर हम कोई मास तो इनका है नहीं, तो अब इनका अगर कोई मास नहीं है तो फिर इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम लोग क्या लेंगे, तो जीरो ही लेंगे, ठीक है। साथ में टेंशन का वैल्यूज हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम रस्सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रस्सी है, तो ये जो दो रस्सी यहाँ पर है इस पर टेंशन, अगर मान लो कि हम इस वाले रस्सी पे टेंशन हम ले ले रहे टी, ठीक है, इस पर टेंशन कितना ले ले रहे टी, तो ये जो रस्सी इधर से पास होके इधर आया है वो भी तो सेम रस्सी है, तो इस पे भी टेंशन कितना होगा टी, क्लियर है। सेम उसी तरह से अगर हम इस रस्सी पे टेंशन ले लेते हैं टी डैश, तो इस रस्सी पे भी टेंशन क्या होगा टी डैश। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि एक पुली यहाँ पर है जिसका नाम ए है, एक पुली यहाँ पर है जिसका नाम बी है। अब इस वाले पुली को ऊपर खींचा जा रहा है, कितना फोर्स के साथ, एफ, एफ का वैल्यू कितना है 300, तो इसको रोकने के लिए दोनों तरफ क्या है, टेंशन का फोर्स है, एक एक रस्सी इधर कनेक्टेड है और एक रस्सी इधर कनेक्टेड है। सेम उसी तरह से इस वाले बी पुली को भी ऊपर ऐसे खींचा जा रहा है, यहां से देखो ये टेंशन ऐसे खींच रहा है ना, रस्सी है ना वहां पे, बट इसको भी रोकने के लिए दो टेंशन का फोर्स इधर लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो 300 का अगर इधर देखे तो 150 होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए 150, तब जाकर के 300 होगा, समझ गए। मतलब ये जो टी देख रहे हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना होगा 150, और इसका भी वैल्यू कितना होगा 150, तभी तो जाकर के दोनों तरफ का 300 बराबर होगा, ओके। और ये वाला टी देखिए, यहां पर भी टी है, तो यहां पर भी क्या होगा 150, वही रस्सी है। अब इधर टी डैश है, इधर टी डैश है, तो आपका कितना कितना हो जाएगा, 75 इस तरफ हो जाएगा और 75 इस तरफ हो जाएगा, तभी तो 150 होगा। तो ये जो टी डैश है इसका वैल्यू हो जाएगा 75, इसका वैल्यू हो जाएगा 75, क्लियर है। अब हम लोग ये बनाने के बाद जो दो अलग अलग ब्लॉक्स है उनका भी फ्री बॉडी डायग्राम जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो, दो अलग अलग ब्लॉक्स है, एक है तुम्हारा छोटा ब्लॉक और एक है बड़ा ब्लॉक। तो जो छोटा ब्लॉक है उसका मास कितना है, उसका मास है 5 किलो, तो नीचे की तरफ उसका वेट होगा, और जो बड़ा ब्लॉक है उसका मास है 10 किलो, तो नीचे की तरफ उसका भी वेट होगा। तो 5 किलो का वेट हो जाएगा 50 न्यूटन और 10 किलो का वेट हो जाएगा 100 न्यूटन। अब इसको रोकने के लिए टी डैश यहाँ लग रहा था, और इसको रोकने के लिए टी डैश यहाँ पे खींच रहा था, और हमको पता था कि टी डैश का वैल्यू कितना आ चुका है 75, यहाँ पे भी टी डैश का वैल्यू कितना आ चुका है 75। क्या ये 75 इस 100 को खींच के ऊपर उठा पाएगा, बिल्कुल नहीं उठा पाएगा, कम है फोर्स। तो यहाँ पर जो एक्सिलरेशन होगा बड़े वाले ब्लॉक का वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं, क्या ये 75 खींच करके 50 का वेट को उठा पाएगा, तो बिल्कुल उठा पाएगा, ज्यादा फोर्स है वहां। तो यहाँ नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है 75 ऊपर और 50 नीचे, तो कितना हुआ 25। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना था 5 किलो इंटू इसका एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, सो यहाँ से 25/5 क्या हो जाएगा 5 m/s². तो छोटा ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 होगा और बड़ा ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, और उसका पूरा रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।